सोल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने किया विधायक का पुतला दहन। सोल क्षेत्र के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जनप्रतिनिधियों ने कनिष्ठ प्रमुख राजेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में थराली डुंगरी मोटर मार्ग पर हिम्मत स्लाइड जोन के सामने सड़क पर क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा का पुतला दहन कर सोल क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का कहना था कि सोल क्षेत्र की अनदेखी लगातार की जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली आदि सुविधाएं से यह क्षेत्र महरूम है। उसका कहना है कि हमारी मुख्य मांग हिम्मत स्लाइडिंग जोन का स्थायी समाधान हो। थराली डुंगरी मोटर मार्ग के किलोमीटर 4-7 में स्थायी समाधान हो और क्योंकि अब बरसात के समय अक्सर सड़क मार्ग बंद हो जाता है। थराली से सोल क्षेत्र जाने के लिए हिम्मत, प्राणमती सहित 3 स्थानों में गाड़ियां बदल कर जाना पड़ता है, जिससे 3000 वाले रतगांव का संपर्क विकासखंड मुख्यालय से 1 वर्ष पहले टूट गया था तथा इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं बूंगा स्लाइडिंग जोन में भी गांव को खतरा बना हुआ है, जिस कारण लगभग 15,000 से अधिक की आबादी वाला सोल क्षेत्र की जनता को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। वहीं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि आपदा के बाद से क्षेत्रीय विधायक द्वारा सोल क्षेत्र की कोई सुध नहीं ली गई, जिस कारण विवश होकर के उनके द्वारा विधायक भोपाल राम टमटा का पुतला दहन किया गया। इससे पूर्व भी सोल विकास संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक आयोजित कर विधायक को क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था, जबकि कुछ समय पूर्व केदारनाथ में सोल क्षेत्र के कोलपुरी गांव निवासी अनिल नेगी की पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण अकस्मात मृत्यु हो गई थी, जिनका परिवार निर्धन है, जिसके लिए परिवार के कुछ आर्थिक सहायता हेतु विधायक को पत्र प्रेषित किया था, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कनिष्ठ प्रमुख थराली राजेंद्र सिंह बिष्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य रतगांव दलीप सिंह गुसाई, बूंगा क्षेत्र पंचायत सदस्य पूनम रावत, प्रधान सुंदरलाल, बूंगा प्रधान प्रतिनिधि ब्रजपाल, बलवंत सिंह फर्शवान, दिलवर सिंह पूर्व प्रधान बूंगा, बीरेंद्र सिंह फर्शवान, दिगंबर देवराड़ी क्षेत्र पंचायत रुसान, भरत परशुराम, पृथ्वी सिंह आदि उपस्थित थे। नाराजगी विधायक जी से नहीं है, नाराजगी हमारी किसी जन पार्टी से नहीं है, किसी सरकार से नहीं है। हमारा जो सोल घाटी का एक छोटा सा नहीं बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो क्षेत्र 16 गांवों के नाम से सोल घाटी से जाना जाता है, और मैं 2004 से देख रहा हूँ कि इस रोड पर मैं खुद आ रहा हूँ, तो विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि 2004 से अभी तक जो हिमना स्लाइडिंग किलोमीटर 7 थराली से सोल डुंगरी को कनेक्ट करती है, तो परमानेंट इसका हमको इसका समाधान चाहिए। और आपदा की देखो, आपदा प्रकृति है, प्रकृति के साथ हम लोग नहीं छेड़छाड़ी कर सकते हैं, प्रकृति को हम बोल भी नहीं सकते कि आप क्यों बरस रहे हैं और क्यों नहीं बरस रहे, परंतु जो मानवता के हिसाब से इस जनप्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, जैसे हमारे माननीय विधायक जी श्रीमान भूपाल राम टमटा जी की, जो कि विगत कई मतलब 2 साल माननीय विधायक जी को विधानसभा में चुन के भेजा सभी लोगों ने, हमने नहीं, सभी ने भेजा व्यक्तिगत मैंने, परंतु इन लोग हम क्षेत्र की मांग को इसलिए हम आज पुतला दहन किया कि माननीय विधायक जी आप देखिए, जब इतनी बड़ी आपदा यहाँ नहीं सभी जगह आपदा आई, परंतु आपका थोड़ा सा एक जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र में थोड़ा सा आकर के लोगों की सुध लें। कई लोगों की जमीनें बह गई, कई लोग किसान जमीन से ही जमीनों पे ही डिपेंड हैं, कई के घर बेघर हो गए हैं, कई बुजुर्ग लोग, जब यहाँ पे परसों की अगर की बात है, श्री बलवंत सिंह नेगी जी यहाँ पे 8 बजे पहुँच गए थे, यहाँ पे रोड नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, तो उनको लेट ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण उनकी भी डेथ हुई। तो ऐसी कई घटनाएँ हुई है, कई प्रेगनेंट डिलीवरी वाली हमारी दीदी महिलाएँ हैं जो लोग की समय पर उनका हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो माननीय विधायक जी से विनती करेंगे कि हम पूरे क्षेत्रवासी, आज तो ये छोटा सा हम लोग ने एक आंदोलन किया है, और भविष्य में अगर हमारी अनदेखी की जाती है तो हम पूरा क्षेत्र, आज तो जनप्रतिनिधि मतलब गांव के जनप्रतिनिधि आ रखे हैं, भविष्य में पूरे क्षेत्र के महिला पुरुष सभी लोग हम आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, और चक्का जाम करने की बात होगी तो थराली मेन पुल का जो बाजार है उस पर भी हम चक्का जाम करेंगे। और माननीय विधायक जी आपको
हम सभी की सुध लेनी पड़ेगी। मेरे पूर्व में भी केदारनाथ हमारे इसी क्षेत्र का एक बालक मेरे गांव का ही खत्म हुआ था, आपदा की भेंट चढ़ा था। माने विधायक जी आपको अवगत कराता हूं कि मैंने आपको बराबर सचेत किया था कि माने विधायक जी हमारा एक गरीब घर का लड़का केदारनाथ में आपदा से मरा है, उसकी फाइल वहां पड़ी है रुद्रप्रयाग में, आज तक नहीं आया। परसों उन्हीं का चाचा हम रुद्रप्रयाग जा करके गाड़ी बुक करके लेके आए, अब हमने उस तहसील प्रशासन में लगा रखी है। देखे उन जाने वाला चला गया, परंतु हम चाहते हैं उनके माता पिताओं को थोड़ा सा कुछ राहत मिल जाए। तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप भी इनको संज्ञान लें, और ऐसे अगर विधानसभा के हमारे विधायक ही मालिक होते और विधायक जी अगर सुध लेंगे तभी आपको ये चीज़ें बात पता चलेगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। भरत सिंह कुटोला, मैं ग्राम पंचायत बूंगा से क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे अभी हूँ, और जिस प्रकार से आज की जो समस्या है हमारे जो यहाँ पर एक सूक्ष्म आंदोलन का था, ये हमारा जो मेन थाली से रतगांव तक और जो बुंगत कुलपड़ी तक जो हमारी रोड थी, इसमें जगह जगह जो स्लाइडिंग जोन बने हुए हैं, विगत कई वर्षों से ऐसे स्लाइडिंग जोन बने हुए हैं जिसका ट्रीटमेंट अभी तक हुआ नहीं है। जो हमारा किलोमीटर 4 पे हिमना पेर और हमारा ये किलोमीटर 7 पे केरा के आसपास, और जो हमारे बुंगा जो NHPC के पास जो हमारी बुंगा स्लाइडिंग जोन है, उसका ट्रीटमेंट पिछले विगत 3-4 सालों से नहीं हो पाए, जिससे ग्राम पंचायत बुंगा की जो आधे से ज़मीन कृषि भूमि जो है कि नदी में बह चुकी है। अभी जो स्लाइडिंग जोन जो डूंगरी से दिखता है उसका इतना प्रभाव होता है, हमारी जो रोड है वो रोड जाने वाली है, उससे जो है कि मकानों को खतरा बना हुआ है। फिर भी विभाग के द्वारा, हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा इस चीज़ में अभी तक कोई विचार नहीं लिया गया है। बुंगा से हूँ और राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हूँ। गांव में रहने का मन बनाया था, गांव में जाने के लिए हमें स्थाई रोड है नहीं, भेड़ बकरियों की चाल हमको चलना पड़ता है। यहां पे बीमार को जो है कई लोग जो है ये उसमें लाते हैं, डंडे वंडे में ले आते हैं। रसद की स्थिति बड़ी ख़राब है, विद्युत की स्थिति बड़ी ख़राब है, शिक्षा की स्थिति बड़ी ख़राब है, स्वास्थ्य की स्थिति बड़ी ख़राब है। सारे टीचर्स जो है तराजू से आते हैं, फ़ोन कर देते हैं आज बारिश हो गई हम नहीं आ पा रहे, रोड ख़राब है, ये कंडीशन है। स्वास्थ्य में हमारे यहाँ पर जो है बरसों से केवल एक एलोपैथिक हॉस्पिटल में आयुर्वेद के फार्मासिस्ट हैं, वो चला रहे हैं, बेचारे आते हैं जैसे आते हैं, हमें नीचे आना पड़ता है, बोझ भी होता है, पीठ पे पिट्ठू लगा हुआ है, और भेड़ बकरियों की चाल में हम आते हैं यहाँ पर। तो बहुत बड़ी कंडीशन है। पिछले वक्त यहीं इसी स्पॉट पर मैं और मेरी वाइफ दोनों हम निकल गए थे नीचे, वो किसी एक्टिव लड़के ने, हमारे एक भाई थे पृथ्वी सिंह जी गाड़ी वाले और बिन्नू बेटा हमारा गाड़ी वाला, इन्होंने हमको थाम दिया, नहीं तो हम दो वाइफ हस्बैंड दोनों नहीं निकल गए थे। तो हमें ये चाहिए कि स्थाई समाधान इस सड़क का हो, हमें किससे दुश्मनी नहीं, किसी राजनीतिक दल से नहीं है और किसी भी इंसान से नहीं है, हमें चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा सड़क का स्थाई समाधान।